Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. I am your educator Nidhi Dua. And आज के lecture के अंदर हम बात करने वाले हैं valence bond theory and crystal field theory के बारे में. ये lecture basically theoretical based होगा. इसके अंदर हम ज़्यादा examples नहीं देखेंगे, ज़्यादा numericals नहीं देखेंगे. लेकिन surely आपके लिए इन दो topics के ऊपर एक और वीडियो लेक्चर बहुत जल्दी अपलोड होगा, जिसके अंदर आपको काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेसिकली डेवलप की गई थी बाय लिनियस पॉलिंग. साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है, ये चीज आप पहले भी देख चुके हैं. वीबीटी लिनियस पॉलिंग ने दी थी. और इस थ्योरी के कुछ मेन पोस्टुलेट्स हैं. एवरी मेटल आयन व्हेन इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अंडरगोज द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड. हर मेटल आयन जब भी किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है तो वो फॉर्म करता है एक बॉन्ड जिसे जाना जाता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के नाम से. तो आपको सबसे पहले याद रखना है, एवरी मेटल आयन When it forms a complex compound, it makes the coordinate covalent bond. और जब ये coordinate covalent bond का formation हो रहा होता है तो metal ion act करता है एक electron pair acceptor की तरह. आपको पता है ligands आपके electron donor की तरह काम करते हैं और आपका जो metal ion है वो electron pair acceptor की तरह काम करता है. For this metal, it provides vacant orbital. और जब ligand को अगर donate करना है electron का pair और metal ion को accept करना है electron pair, तो metal ion vacant orbitals provide कर देता है complex compound के formation के दौरान. The number of vacant orbital provided is equals to the coordination number of metal ion. कोई भी मेटल आयन कितने वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करेगा ये डिपेंड करता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है. तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन इज इक्वल्स टू द वेकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइडेड बाय द मेटल आयन. द मेटल प्रोवाइड्स वेकेंट ऑर्बिटल ओनली आफ्टर द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी मेटल आयन वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रोवाइड कर देगा. द वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन्स गेट ओवरलैप्ड बाय ओवर ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. और जब ही ये हाइब्रिडाइजेशन होगा उसके बाद आपका ओवरलैपिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा. और ओवरलैपिंग कितनी ओवरलैपिंग होती है वो डिपेंड करता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है. और जब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा होगा तो एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स जो कि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व हैं वो इनर भी हो सकते हैं और वो आउटर ऑर्बिटल्स भी हो सकते हैं. आपको पता है इनर ऑर्बिटल होगा एन माइनस वन डी जबकि आउटर ऑर्बिटल होगा एन डी. These complexes are called inner orbital complexes and outer orbital complexes. अगर n minus 1 d काम में आ रहा है तो आप उसे inner orbital complex बोलेंगे. अगर outer orbital complex की बात होगी तो केवल d orbital काम में आएगा. If inner d orbitals are involved in hybridization, then it is through only the pairing of unpaired electrons. अगर इनर डी ऑर्बिटल काम में आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन के दौरान तो ये केवल तभी पॉसिबल है जब पेयरिंग होगी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की इन द डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन. देन सच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस विल बी डायमैग्नेटिक और लेस पैरामैग्नेटिक एंड विल कॉल्ड एज लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस. जब पेयरिंग हो रही होगी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की डी ऑर्बिटल के केस में तो ऐसे केस में उन कॉम्प्लेक्सेस को कहा जाएगा डायमैग्नेटिक या फिर लेस पैरामैग्नेटिक और वो कैरी करेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस. जबकि अगर आउटर ऑर्बिटल इन्वॉल्व है तो उसे कहा जाएगा पैरामैग्नेटिक और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस.
ये चीज आपको एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आएगी. अभी हम एक एग्जाम्पल देखेंगे. तो देखिए, एक एग्जाम्पल है CONH3 whole 6 plus 3 charge. आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस कॉम्प्लेक्स के अंदर एक मेटल आयन को ढूंढना है. तो आपको क्लियरली विजिबल है मेटल आयन यहां पे है कोबाल्ट. आपने कोबाल्ट को लिखा, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी कोबाल्ट की, वो आई आर्गन 3D7 4S2. अब आपको पता है यहां पे बात हो रही है CO प्लस 3, प्लस 3 की बात हो रही है, मतलब आपको यहां से 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है. आपने CO प्लस 3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो आपके पास आता है आर्गन 3D6. 4S2 में से आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करे और D में से आपने 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया. आपने CO प्लस 3 को लिखा, आपने ऑर्बिटल्स के अंदर फिलिंग स्टार्ट करी, तो आपने देखा D ऑर्बिटल के अंदर आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. आपने एक एक करके पांचों ऑर्बिटल्स के अंदर, पांचों शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स डाले और यहां पे आपका एक आपका पेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन आ गया. तो आपका एक पेयर मिला और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं डी के केस में. वहीं जब 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो 4s जो s ब्लॉक था वो आपका खाली हो गया, s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल भी आपका खाली रह गया. ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स गेट पेयर्ड अप. अब आपको यहां पे दिख रहा है CONH3 whole 6. यहां पे NH3 whole 6 जो है ये आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है. अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर एक टेबल मिल जाएगी, उससे आपको पता चल जाएगा कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स कौन से होते हैं और वीक लिगेंड्स कौन से होते हैं. स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर प्रेजेंट है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड सिंपली एक काम करता है. ये क्या करता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ये उन सबकी पेयरिंग करा देता है ऑर्बिटल्स के अंदर. CO प्लस 3 के अंदर आपको यहां दिख रहा है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ NH3 होल 6 यहां पे पेयरिंग हो जाएगी डी ऑर्बिटल के अंदर. स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से यहां पे पेयरिंग हुई तो आपको देखने को मिला कि 3 ऑर्बिटल तो फिल हो गए, डी के 3 ऑर्बिटल्स में तो पेयर अप हो गया लेकिन 2 ऑर्बिटल्स वहीं खाली हो गए. तो अब जो खाली एम्प्टी ऑर्बिटल्स रह गए उसके बेसिस पे आप हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे. तो यहां पे आपने देखा डी के 2 ऑर्बिटल्स खाली रह गए तो आपने लिखा D2. एस का 1 ऑर्बिटल होता है S और पी के 3 ऑर्बिटल ब्लैंक रह गए तो आपने यहां लिख दिया SP3. तो यहां से आपको हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया, हाइब्रिडाइजेशन आ गया D2SP3. और आपको बहुत अच्छे से पता है D2SP3 अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो D2SP3 के केस में कौन सा शेप होगा, तो आप उस बेसिस पे शेप लिख देंगे, शेप आ जाएगी आपकी ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर बाय पिरामिडल. नाउ अब आपको देखना है कि ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, ये पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है या फिर डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है. तो सिंपली पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक पता करने के लिए आपको पता है आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, अगर पेयरिंग हो गई है कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो वो आपका डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है. यहां पे आपको दिख रहा है कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है यहां पे, तो ये आपका डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है. अब यहां पे डी वाला ऑर्बिटल काम में आया था तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ये हो गया. तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया CONH3 whole 6. इसी तरीके से आपको सारे एग्जाम्पल्स सॉल्व करने हैं. क्वेश्चन के अंदर कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई भी कंपाउंड दे सकता है और पूछ सकता है बताइए पैरामैग्नेटिक है डायामैग्नेटिक है, आउटर ऑर्बिटल है इनर ऑर्बिटल है, हाई स्पिन है लो स्पिन है. तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करना है. इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करने के बाद आपको लिगेंड का नेचर देखना है कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है. अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग हो जाएगी, वीक लिगेंड होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रखने होंगे. अगर पेयरिंग हो गई तो डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स. फिर आपको देखना है इनर ऑर्बिटल, इनर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है या फिर आउटर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है. इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. अगला क्वेश्चन आपको 2 एग्जाम्पल्स और दे रखे हैं, इसी तरीके से आप यहां पे भी कर सकते हैं. ओके गाइस, नाउ अब हम जो बात कर रहे थे कि लिगेंड का स्ट्रेंथ का ऑर्डर, तो देखिए आपको याद रखना है लिगेंड के स्ट्रेंथ की ऑर्डर की बात की जाती है तो एक्स और एस डोनर जो होते हैं वो सबसे ज्यादा वीक लिगेंड्स होते हैं. एक्स क्या है, यहां पे एक्स का मतलब है हेलोजन ग्रुप.
जितने भी हेलोजन ग्रुप होंगे, जो भी हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फिर सल्फर डोनर लिगेंड्स, ये आपके वीक लिगेंड्स की तरह काम करते हैं फॉर 3D मेटल आयंस। एक्स और एस डोनर से ज्यादा, जो थोड़े से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं उनमें आते हैं ऑक्सीजन डोनर, और सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं वो होते हैं नाइट्रोजन डोनर और कार्बन डोनर। तो आपको यहां पे ये चीज याद रखनी है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स जिनके अंदर भी, जिन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर भी नाइट्रोजन या कार्बन आ गया लिगेंड के केस में, तो वो आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेंगे, और एक्स, एस और ओ डोनर आपके वीक लिगेंड्स की तरह काम करेंगे। और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो मतलब वो पेयरिंग करा देंगे और डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, अगर वीक लिगेंड प्रेजेंट है तो पेयरिंग नहीं हो पाएगी और वो किस तरीके से बिहेव करेंगे, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स की तरह। अब यहां पे आपको इस रूल के चार एक्सेप्शंस हैं, ऑल लिगेंड एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड फॉर 4D एंड 5D सीरीज मेटल आयंस। अगर 4D या 5D मेटल सीरीज की बात हो रही है इन केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो सभी लिगेंड आपके काम करेंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह। 4D सीरीज और 5D सीरीज के अंदर आपके एटॉमिक नंबर 39 से लेके 80 तक की बात की जा रही है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। H2O एंड C2O4-2 acts as strong ligand for CO+3 oxidation number 6. H2O एंड C2O4-2 दोनों ही आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेंगे इन केस ऑफ CO+3 के अंदर। F- acts as strong ligand for Ni+4. अगर निकल का चार्ज आपको +4 गिवन है तो फ्लोराइड जो आयन होगा वो आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेगा, अदरवाइज फ्लोराइड वीक लिगेंड की तरह कंसिडर होता है। NH3 acts as weak ligand for Fe+2 and Mn+2 coordination number 6. आपको पता है नाइट्रोजन डोनर तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की तरह काम में आने चाहिए, लेकिन NH3 वीक लिगेंड की तरह बिहेव करता है इन केस ऑफ Fe+2 एंड Mn+2, जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। तो ये एक्सेप्शन थे इसके। अगर आपको ये चीज याद हो जाती है, ये स्लाइड आप याद रख लेते हैं, तो आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली आंसर भी टिक कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन की बात की जाए तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता है, जितने लिगेंड्स अटैच होते हैं उतना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे ही आपको पता चला तो आप हाइब्रिडाइजेशन लिख सकते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको पता है तो आप शेप लिख सकते हैं। तो यहां से आपका बहुत आसानी से एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और वो क्वेश्चन भी आपका करेक्ट होगा। नाउ द ड्रॉबैक्स ऑफ VBT। VBT के कुछ ड्रॉबैक्स थे। VBT ने ये तो बता दिया कि शेप किस तरीके से निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हायर कॉम्प्लेक्स होगा, लो कॉम्प्लेक्स होगा, इनर ऑर्बिटल होगा, आउटर ऑर्बिटल होगा, लेकिन VBT ये नहीं बता पाए कि कॉम्प्लेक्स का कलर कहां से आता है और स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसे पता चलेगी, और पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट भी VBT अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पाई। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे। इन ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए एक नई थ्योरी आई, जिस थ्योरी का नाम था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दी गई थी बाय द साइंटिस्ट नेम्ड बेथे एंड व्लेक। बेथे और व्लेक ने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दी थी। According to this theory, when a ligand approaches to the metal ion, the d orbitals of metal ion undergoes splitting formation into two sets. जब भी कोई ligand approach करता है metal ion को, तो जो d orbitals होते हैं metal ion के, उनके अंदर splitting हो जाती है। मतलब d orbital जो होता है वो दो parts में divide हो जाता है, और वो जो दो parts होते हैं उनकी एक की एनर्जी होती है ज्यादा और दूसरे की एनर्जी होती है कम। तो एक सेट को कहा जाता है हाई एनर्जी सेट और दूसरे सेट को कहा जाता है लो एनर्जी सेट। हाई एनर्जी सेट के अंदर आपके दो ऑर्बिटल्स आते हैं dx2y2 एंड dz2, जिसे बोला जाता है Eg कॉम्प्लेक्स
और जो लोअर सेट होता है उसके अंदर आपके तीन ऑर्बिटल्स आते हैं, dxy, dyz एंड dxz. इफ द लिगेंड अप्रोचिंग इज स्ट्रॉन्ग बेसिक देन मोर स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स इज ब्रॉट अबाउट, दैट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन t2g एंड eg विल बी वेरी हाई. अगर जो लिगेंड अप्रोच कर रहा है वो स्ट्रांगली बेसिक है तो ज्यादा स्प्लिटिंग होती है और जो एनर्जी डिफरेंस आता है बिटवीन टू सेट्स t2g एंड eg वो बहुत ज्यादा होता है. ये चीज आपको याद रखनी है. अंडर दीज कंडीशंस द इलेक्ट्रॉन ऑफ d ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन गेट पेयर्ड अप इन t2g सेट ऑफ ऑर्बिटल्स. यहां पे आपने देखा अगर स्ट्रांग बेसिक लिगेंड आ रहा है, अगर स्ट्रांग लिगेंड आ रहा है तो डी ऑर्बिटल्स का जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उसके अंदर पेयरिंग हो जाती है t2g सेट के अंदर. दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डायमैग्नेटिक और लेस पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स. ओके, इफ द लिगेंड अप्रोचिंग इज वीकली बेसिक, अगर लिगेंड जो अप्रोच कर रहा है वो वीकली बेसिक है तो इसके इन्फ्लुएंस के अंदर कम स्प्लिटिंग होती है, इसीलिए एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स ऑफ टी ऑर्बिटल्स काफी कम आ जाता है. टी टू जी और ई जी जो दो सेट हैं उनके अंदर एनर्जी डिफरेंस कम आता है और इसीलिए वो कैसा कॉम्प्लेक्स बनता है, वो बनता है पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स. आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं ये आपका डी ऑर्बिटल है. डी ऑर्बिटल के अंदर जैसे ही लिगेंड ने अप्रोच किया तो यहां पे जो डी ऑर्बिटल्स थे उनके अंदर स्प्लिटिंग हुई और स्प्लिटिंग होने के बाद दो सेट्स में डिवाइड हो गए. एक सेट बना ईजी और दूसरा सेट बना टी टू जी. इधर आपको दिख रहा है ईजी एंड इधर आपको दिख रहा है टी टू जी. अगर वीक लिगेंड है, मान लीजिए कोई भी एक्स डोनर है, हेलोजन डोनर है, फ्लोरीन या क्लोरीन, तो जो डिफरेंस आएगा एनर्जी का बिटवीन टू सेट्स ईजी और टी टू जी वो काफी स्मॉल होगा और उसे डिनोट किया गया डेल्टा ओ से. वहीं अगर कोई स्ट्रांग लिगेंड है, नाइट्रोजन डोनर है, कार्बन डोनर है, तो ईजी और टी टू जी के अंदर जो डिफरेंस आएगा एनर्जी का वो बहुत ज्यादा होगा और उसे भी डिनोट किया गया डेल्टा ओ लार्ज के फॉर्म में. ओके गाइस, यहां पे आपको दिख रहा है टोटल एनर्जी और ईजी के केस पे जो डिफरेंस आता है वो होता है 0.6 डेल्टा ओ और 6 डेल्टा क्यू. वहीं अगर टी टू जी और डेल्टा ओ के बीच में अगर डिफरेंस पूछा जाए तो 0.4 डेल्टा ओ और 4 डेल्टा क्यू डिफरेंस आता है. तो ये बात हुई हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में. ओके, तो ये हमारा थियोरिटिकल पार्ट था अबाउट वीबीटी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. नेक्स्ट, द फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑफ सम ऑफ द केटाइन्स हैविंग सेम चार्ज बट डिफरेंट आयनिक रेडियाई डिक्रीजेस विद द इंक्रीजेस आयनिक रेडियाई. तो जो कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी होती है केटाइन्स के केस में, अगर चार्ज सेम है तो वो डिपेंड कर जाती है आयनिक रेडियाई के ऊपर, आयनिक एंड रेडियाई के ऊपर. ओके गाइस, अ स्ट्रॉन्ग बेसिक लिगेंड फॉर्म्स मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद द मेटल आयन. एक स्ट्रॉन्ग बेसिक लिगेंड एक बहुत ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है विद मेटल आयन देन अ लिगेंड विच इज वीकली बेसिक इन नेचर. मतलब स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी कि लिगेंड कितना स्ट्रॉन्ग है. दस अ साइनो कॉम्प्लेक्स विल बी मोर स्टेबल देन अ क्लोरो कॉम्प्लेक्स. आपको पता है साइनो कॉम्प्लेक्स के अंदर साइनो कॉम्प्लेक्स जो है, CN जो है, CN ग्रुप जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है, जबकि हेलोजन ग्रुप जो है, क्लोरो कॉम्प्लेक्स जो होगा, Cl- वाला जो ग्रुप होगा वो वीक लिगेंड की तरह बिहेव करेगा. और जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी, इसीलिए साइनो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी देन क्लोरो कॉम्प्लेक्स. When a bidentate ligand combines with the metal ion, then a chelate complex is formed. This type of chelate complex will be more stable. जब भी कोई bidentate ligand combine होता है metal ion के साथ तो एक chelating complex का formation करता है और इस chelating complex की stability बहुत ज्यादा होगी. अब अगर बात की जाए color of compounds की, जो चीजें वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी वो चीजें सीएफटी की मदद से एक्सप्लेन हो गई थी.
कलर ऑफ कंपाउंड की बात अगर की जाती है तो कंपाउंड्स में भी कलर्ड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। जितने भी आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं ये सब कुछ कलर्स को एमिट करते हैं और इन कलर्स को एमिट करने का रीजन होता है डीडी ट्रांजिशन। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Ti+3 शोज वायलेट कलर। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है डीडी ट्रांजिशन का, जिसके अंदर आपको याद रखना है जो एक्वस सॉल्यूशन होता है Ti+3 का उसका कलर होता है वायलेट कलर। D1 to D9 क्या है? D1 to D9 का मतलब है कि जो अगर हम D ब्लॉक्स की बात कर रहे हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स ट्रांजिशन मेटल्स की बात कर रहे हैं, अगर उनका आउटर कॉन्फ़िगरेशन D1 से लेके D9 के बीच में है तो वो विजिबल फोटोन को एब्जॉर्ब करते हैं। अगर वो एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं लाइट का तो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइटेड होते हैं डी ऑर्बिटल्स की तरफ और कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को एब्जॉर्ब करते हैं और हमें ऑब्जर्व होता है उनका कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कॉम्प्लीमेंट्री कलर की बात अभी हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर करेंगे कि किस कलर का कौन सा कलर कॉम्प्लीमेंट्री होता है। D0 and D10 की अगर बात की जाए, मतलब अगर आउटर कॉन्फ़िगरेशन में D के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं और D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कोई भी डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा, मतलब एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा एलिमेंट और वो कंपाउंड कैसा शो होगा? कलरलेस। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स की अगर बात की जाए तो आपको पता है विबग्योर की बात की जाती है। विबग्योर का आपको पता है विबग्योर जैसे ही आप V से लेके R तक मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका लैम्डा इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री कलर का एक सर्किल है, आपको ये सर्किल याद रखना है। इस सर्किल के आगे जो भी कलर्स हैं वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा। जैसे आपको वायलेट दिख रहा है, वायलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है? येलो ग्रीन। यहाँ पे आपका इंडिगो है, इंडिगो का कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री कलर है? इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये सर्किल आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये आप एग्जाम के अंदर भी ड्रॉ करके लिख सकते हैं। यहां से हम स्टार्ट हुए वी आई बी, यहाँ पे फिर जी हमने लिखा, बी और जी के अंदर बीच में आता है ब्लू ग्रीन कलर, देन जी एंड वाई के बीच में आता है येलो ग्रीन कलर, देन ऑरेंज रेड पर्पल। इस तरीके से आपको ये सर्किल याद रखना है कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का। पर्पल या वायलेट के लिए होता है येलो ग्रीन कलर, ब्लू के लिए होता है ऑरेंज कलर, ब्लू ग्रीन या ग्रीन के लिए होता है रेड कलर। इफ लिगेंड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस देन जो आपका डिफरेंस है बिटवीन T2G एंड EG के बीच में वो इंक्रीज होता है, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है और वेवलेंथ डिक्रीज होना स्टार्ट कर जाती है। यहां से आपको क्वेश्चन भी मिल सकता है कि अगर एब्जॉर्ब कलर ब्लू ग्रीन है तो ऑब्जर्व कलर कौन सा होगा? तो ऑब्जर्व कलर उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा। ब्लू ग्रीन के केस में ऑब्जर्व कलर कौन सा होता है? रेड। तो यहाँ पे ऑब्जर्व कलर रेड होगा। ओके गाइस, और यहाँ पे कुछ आपको नोट गिवन है, यहां से आपको देख लेना है कि रूबी जो होता है रेड उसका फॉर्मूला क्या होता है, एमरवेल्ड आपका ग्रीन कलर का होता है, CuSO4.5H2 आपका ब्लू कलर का होता है, लेकिन अगर इसे हीट कर दिया जाए तो CuSO4 कलरलेस होता है। कलर्स ऑफ कंपाउंड्स, सम कंपाउंड्स इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट। कुछ कलर्स होते हैं कंपाउंड्स के जो कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की वजह से भी देखने को मिलते हैं। और एक फैक्टर होता है आपका पोलराइजेशन। पोलराइजेशन जैसे ही इंक्रीज होता है तो कलर की इंटेंसिटी भी इंक्रीज होने लग जाती है। ये आप पिछले लेक्चर्स के अंदर कवर अप कर चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। AgF से AgI की तरफ आप जैसे ही मूव करते हैं तो इंटेंसिटी जो होती है कलर की वो इंक्रीज करती है। AgF कलरलेस है जबकि AgI डार्क येलो कलर का है। इसी तरीके से आपको कुछ और एग्जांपल्स भी दे रखे हैं। एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम होमो टू ल्यूमो, मतलब आपको यहाँ पे हैलोजन्स के बारे में बताया हुआ है कि फ्लोरीन का कलर येलो होता है, क्लोरीन का ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन का रेड ब्राउन एंड I2 का वायलेट। So this was all about crystal field theory and valence bond theory. Okay guys, I hope आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। Now in case अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो please do like, share and subscribe। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन आपको पूरी गिवन है स्क्रीन के ऊपर।
अब एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप CSIR UGC NET के एस्पिरेंट हैं तो आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर नेहा तनेजा मैम को फॉलो कर सकते हैं. शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर ओवर देयर. अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको एक सब्सक्रिप्शन से अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है. एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस कोर्स तो आप डिटेल्ड पेड कोर्स क्लासेस के साथ भी जा सकते हैं. और जब आप ये डिटेल्ड पेड क्लासेस लें तो आप रेफरल कोड नेहा यूज कीजिए, दैट इज NEHA. एंड आफ्टर यूजिंग दिस रेफरल कोड यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन टोटल फी. थैंक यू वेरी मच.